حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. خارن گرامی، آج کی اس گفتگو کے لیے جس آئے کریمہ کو آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ بینہ کی آیت ہے. ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. لوگوں کو کوئی حکم دیا ہی نہیں گیا ہے مگر یہ کہ وہ عبادت کریں پروردگار کی، مخلصین لہ الدین، اور وہ عبادت اخلاص کے ساتھ ہو. اسی پر ہی ہماری پوری گفتگو ہوگی، اور اس موضوع کو ہم ایک اور آیت کے ضمن میں بھی بیان کر سکتے تھے اور اسے بھی سرنامہ کلام قرار دے سکتے تھے، لیکن شاید ہم اس کی اگر تلاوت کرتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ کوئی میت آئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے یہ آیت پڑھی ہے. وہ آیت یہ ہے کہ انّا للہ وانّا الیہ راجعون، کہ ہم ہیں ہی اللہ کے لیے اور لوٹنا بھی ہمیں اللہ کی طرف ہے. اور اسی مفہوم کو مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ اذا احب اللہ عبدا الہمہ حسن العبادہ، جب پروردگار اپنے کسی بندے سے بہت محبت کرتا ہے تو اسے عبادت کرنے کا بہترین سلیقہ سکھا دیتا ہے. یہاں پر لفظ حسن العبادہ آیا ہے، صرف عبادت نہیں آیا ہے، اس کا مطلب عبادت کرنے والے بہت سارے ہیں، لیکن جو احسن طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ بہترین انداز میں عبادت کرتے ہیں وہ افراد کرتے ہیں کہ جنہیں اللہ چن لیتا ہے اور پسند کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے،
हम जितना परवरदिगार के करीब होने की कोशिश करेंगे, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम हमारी तरफ आओगे, हमारी नुसरत करोगे तो हम तुम्हारी नुसरत करेंगे। तो इबादत के मौजू पर, और वो भी इबादत जो इखलास के साथ हो परवरदिगार की खातिर हो, उस मौजू पर इंशाल्लाह आज की गुफ्तगू रहेगी। कल की गुफ्तगू के अंदर ये बात आई थी कि इबादत सिर्फ नमाज रोज़ों का नाम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नमाज रोज़े भी इबादत ना हो, नमाज रोज़े भी इबादत है और इसके अलावा कई सारी और चीज़ें हैं कि जो इबादत है। इबादत एक बहुत बड़े मजमूए का नाम है, यानी अगर हम यहाँ पर बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं तो यही गुफ्तगू इबादत हो सकती है। आप तशरीफ़ फरमा हैं, यही तशरीफ़ फरमा होना और सुनना समाज करना, ये भी इबादत हो सकता है। यहाँ से वक्त पर चले जाना और घर वक्त पर पहुँच जाना और घर को भी वक्त देना, वो भी इबादत है। और इसी तरीके से फिर सुबह के वक्त जो उसका सही मुनासिब वक्त हो उस पर इंसान का बेदार होना और फिर घर के कामकाज में लग जाना, ये भी इबादत है। तो पूरी ज़िंदगी में बहुत सारे आमाल ऐसे हैं कि जो हमारी इबादत से ताल्लुक़ रखते हैं, और भरपूर कोशिश इंसान को करनी चाहिए कि उसका एक एक अमल, उसका एक एक किरदार और एक एक लम्हा उसका इबादत के अंदर गुजर रहा हो। अलबत्ता माह रमज़ान के अंदर तो खुद ब खुद ही हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि अगर इंसान गुनाहों से महफूज है तो अनफासुकुम फीही तस्बीह, तुम्हारा सांस लेना भी इबादत हो जाता है। तो खुद ब खुद लम्हा ब लम्हा हम इबादत कर रहे होते हैं माह रमज़ान के अंदर। लेकिन वाकई आम अयाम के अंदर भी अगर नीयत मुस्तहब अमल अंजाम देने की है, किसी नेक अमल को अंजाम देने की है, तो खुद ब खुद हमारी उस नीयत की वजह से हमें सांस लेने का सवाब भी मिलता रहता है। इसमें सबसे अहम तरीन नुकता जिसकी तरफ मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा वो ये है कि इंसान इबादत उस वक्त करे कि जब उसके पास इल्म सही तरीके से हो। इल्म मुकदमा है इबादत का, इल्म तमहीर है इबादत के लिए, इल्म इब्तिदाइया है इबादत का। जिसके पास इल्म ही नहीं है, वो समझ रहा है कि बहुत बड़ी इबादत कर रहा है लेकिन वो इबादत इबादत नहीं है। इसके लिए भी मौला मुत्तकियान अमीर मुमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही खूबसूरत एक मिसाल बयान की है, और मैं कोशिश करूंगा कि चूंकि मौला मुत्तकियान के अभी अय्याम आएंगे माह रमजान में, इसलिए मौला मुत्तकियान ही के फरमान को, उनकी सीरत को ज्यादा से ज्यादा आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँ। मौला मुत्तकियान ने शाह फरमाया कि अल मुतअब्बिदु अला गैर फिक्हिन कहिमार ताहुना यदूरू वला यबरहू। फरमाया वो शख्स के जो बहुत बड़ा इबादत गुजार है लेकिन बगैर सोचे समझे इबादत कर रहा है, उसकी मिसाल उस गधे की तरह है जो चक्की के गिर्द घूमता रहता है ताकि आटे को पीसे और समझ रहा होता है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, जबकि वो सिर्फ घूम रहा होता है और चल रहा होता है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा होता। वो पूरा चक्कर लगाता है और वहीं पहुंच जाता है, फिर पूरा चक्कर लगाता है वहीं पर पहुंच जाता है, फिर पूरा चक्कर लगाता है वहीं पर पहुंच जाता है। समझ रहा होता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, वो चल रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा। यानी जिसको हम आम जबान में कह सकते हैं कि जो घर के अंदर जॉगिंग कर रहे होते हैं तो पैर लग रहे हैं, हरकत है इंसान के बदन में, लेकिन ये हरकत इंसान को आगे नहीं पहुंचा रही। बल्कि एक रिवायत के अंदर छठे सरकार शाह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स एक दुरूद पढ़ दीजिए मुहम्मद व आलम, जो बगैर सोचे समझे अमल अंजाम दे रहा होता है, वो समझ रहा होता है कि आगे बढ़ रहा है, लेकिन याद रखो कि वो जितना इस्लाह का सोच रहा होता है उससे ज्यादा वो फसाद पैदा कर रहा होता है। सोच तो बहुत अच्छा रहा है लेकिन उसके पास इल्म नहीं है, समझ ही नहीं है कि उसको करना क्या चाहिए, और हरकत भी है, जोश जज्बा भी है, लेकिन उसको सोच नहीं दी गई है, तो वो गलत कामों की तरफ आगे बढ़ जाता है। एक छोटी सी मिसाल आपकी खत बयान करूं। देखिए हमारे यहाँ बड़ी ताकीद की जाती है कि इंसान अव्वल वक्त की नमाज पढ़े, और ताकीद इस कदर ज्यादा है कि हत्ता ये कहा गया कि अगर मस्जिद के अंदर फर्ज कीजिए कि नमाज मिल रही है, जाहिरन जहां तक हमारे जहन में वो रिवायत मौजूद है उसमें इस तरीके से कि हत्ता मस्जिद में इंसान नमाज पढ़ सकता है लेकिन ताखीर से पढ़ेगा तो बेहतर यह है कि मस्जिद में ना पढ़े, घर के अंदर पढ़े लेकिन अव्वल वक्त में पढ़े। अव्वल वक्त की नमाज की इस कदर अहमियत है। अब देखिए नबी अकरम की सीरत में और इसी तरीके से मैं आए उलमा की कराम की सीरत में भी आपको बयान करूं।
नबी अकरम एक मरतबा बच्चों के साथ खेल रहे थे, ये भी एक अनोखा वाकया है। हमारे यहाँ कौन सा आलिम देखा होगा और कौन सा अमामे वाला देखा होगा और कौन सा शेरवानी वाला और टोपी वाला और कौन सा ऐसा मुकद्दस और मुत्तकी इंसान देखा होगा कि जो बच्चों के साथ और गली के बच्चों के साथ खेल रहा हो। पैगंबर अकरम इस तरीके से बच्चों के साथ खेल रहे हैं और इतने में नमाज का वक्त हो गया। जनाब बिलाल ने अजान दी, अजान बिलाल मुकम्मल हुई, पैगंबर अकरम अभी खेल ही रहे थे और चाह रहे थे कि बच्चों से जुदा हों, और हमारे नजदीक तो नमाज से बढ़कर और कौन सी इबादत हो सकती है। लेकिन पैगंबर अकरम को यह अजीब महसूस हो रहा था कि मैं अगर बच्चों से इस तरीके से कह दूं कि अभी नमाज का वक्त हो गया, मैं जा रहा हूं और तुम अपने खेल को जारी रखो, मौका मिला तो इंशाल्लाह बाद में हम खेलेंगे वरना फिर हम खत्म कर रहे हैं, यह कहना भी नबी अकरम को बुरा महसूस हो रहा था कि नहीं बच्चे मुझसे नाराज हो जाएंगे, कट जाएंगे, जुदा हो जाएंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि ये हमारे साथ भी खेल रहे थे और अचानक से अपने काम में मशगूल हो गए। तो नबी अकरम ने अजान के इख्तिताम पर और लोगों के कहने पर कि या रसूलल्लाह लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जल्दी तशरीफ लाइए, अचानक बच्चों को बुलाया। बच्चों को बुलाने के बाद कहा कि बच्चों अब क्या खेल रहे थे वो बाकायदा बयान नहीं हुआ है, लेकिन शायद इससे जाहिर ये होता है कि जैसे नबी अकरम उनके लिए सवारी बन रहे थे और उनके लिए कोई काम कर रहे थे जिसके बाद बच्चे बड़े महसूस हो रहे थे। तो पैगंबर अकरम इशारा फरमाते हैं कि तुम अपने इस खिलौने को, यानी अपनी तरफ इशारा करके कहते हैं कि तुम अपने इस खिलौने को कितने में दूसरों को बेचोगे। तवज्जो है, तुम्हारा ये खिलौना, तुम अपने खिलौने को दूसरों के हवाले कितने में करोगे। फिर पैगंबर अकरम ने खुद फरमाया, क्योंकि जो चीज मौजूद थी उसी की तरफ इशारा कर दिया ताकि बच्चों का वही जवाब आ जाए, फरमाया क्या तुम कुछ अखरोट के एवज अपने खिलौने को बेच दोगे। कहा कि हाँ या रसूलल्लाह, हमें कुछ अखरोट खाने, अखरोट हमें दे दीजिए। तो पैगंबर अकरम ने तकरीबन 7-8 के करीब अखरोट मंगवाए और बच्चों में तकसीम किए और इस तरीके से जुदा हुए, बच्चे बड़े खुश हो गए। और फिर पैगंबर अकरम ने इशारा फरमाया कि वो यूसुफ थे जो कोड़ियों के बदले बिके थे, और ये हुस्न यूसुफ की मेराज है जो कुछ अखरोट के अवस बिक गई। तो जो हमने महदूद कर दिया है इबादत को सिर्फ यही नमाज रोजे और कुछ मोटी मोटी चीजों के अंदर, और इतना उसके ऊपर फोकस कर दिया है कि बाकी सारी चीजें नजरअंदाज कर दी जाती है कभी कभार, और महसूस ही नहीं करते कि हम कौन सा अमल अंजाम दे रहे हैं जिससे क्या रिएक्शन बन सकता है और आगे क्या इसके नतीज बरामद हो सकते हैं। कुछ चीजों तक जब हमने दीन इस्लाम को महदूद कर दिया तो फिर अब उसका नतीजा ऐसा बनता जा रहा है कि जो कभी दाइश की सूरत में, कभी तालिबान की सूरत में, और ये सारे इल्जाम जो लगाए जा रहे हैं, इल्जाम उस वक्त लगाया जाता है कि जब कुछ शबात पाई जाती हो हमारे अंदर। यानी अगर हम किसी खातून के बारे में, अब चूंकि महफिल खवातीन की इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि किसी खातून के बारे में अगर बहुत बड़ी तोहमत लगाई गई है तो अगर वो बहुत ज्यादा पाक दामन हो तो इस तोहमत को कोई तवज्जो ही नहीं देगा, बेकार है ये बात। कुछ शबाहत पाई जाती होगी तो फिर ये इल्जाम ठीक हो सकता है। जब मुसलमानों के ऊपर ये इल्जाम दिया जा रहा है कि वाकई ये बहुत रिजिड कौम है, ये किसी से भी दोस्ती रखना, मोहब्बत और प्यार से बात करना ये इनको आता ही नहीं है, ये इल्जाम उस वक्त हमारे ऊपर सही सादिक आ सकता है जब वाकई हमारे अंदर कुछ ऐसा मिजाज बनने लगा हो। तो जो पैदा हुआ है मिजाज उसका फायदा उन्होंने उठाया है और हम पर मजीद और इल्जाम लगाकर, मजीद और तोहमतें लगाकर इस्लाम से लोगों को बेजार करना शुरू कर दिया। एक दुरूद पढ़ दीजिए मुहम्मद वाले मुहम्मद। एक और मैं अजीब बात बयान करने जा रहा हूं, और शायद हमने भी और हमारे जैसे कई सारे उलमा कराम ने इस बात पर बड़ी ताकीद की है, और खैर वो ताकीद मराजीन की तरफ से भी है, तायद शुदा है, मासूमीन की रवायतें भी इस बारे में तायद करती हैं, खुद पैगंबर अकरम की सीरत इस बारे में तायद करती हैं कि इंसान अव्वल वक्त की नमाज अंजाम दे। पैगंबर अकरम के बारे में रवायत मौजूद है कि लोगों से गुफ्तगू फरमा रहे होते थे, असहाब से गुफ्तगू कर रहे होते थे, जैसे ही नमाज का वक्त आता था हमसे ऐसे जुदा होते थे कि जैसे हमारे दरमियान मौजूद ही ना हो। तो इतनी ज्यादा भी अव्वल वक्त की ताकीद है, लेकिन जानते थे कि ये जो बड़े लोग हैं, समझदार लोग हैं, इनको पता है कि मैं जो अब इनके दरमियान से खड़ा हुआ हूं वो इनसे बेजार होने की वजह से नहीं हुआ, इनसे किसी दुश्मनी और अदावत की वजह से मैं खड़ा नहीं हुआ हूं, बल्कि नमाज की अहमियत की वजह से मैं खड़ा हुआ।
इसलिए अपने असहाब के दरमियान खड़े हो जाया करते थे। और यही अमल तमाम आइमा की सीरत में हमें नजर आता है, चाहे मौलाए मुत्तकियान हो, इमाम सज्जाद हो, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम हो, तमाम आइमा की सीरत में हमें यही नजर आता है। और रिवायतें भी इस बारे में कसरत के साथ आई हैं। अब मैं जिस नुक्ते की तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ वो ये है कि कभी कभार अब ये हमारे माशरे का मसला है, खैर मुहर्रम में ज्यादा पेश आता है कि आज़ादारी उसी वक्त हो रही है जब नमाज का वक्त है। अव्वल वक्त की नमाज ज्यादा अहमियत रखती है या आज़ादारी और मजलिस की अहमियत ज्यादा है? आमतौर पर हमारे मेंबरों से उलमाए किराम ने यह समझाया है और हमने भी कोशिश ये की है, और ये जो कोशिश की है वो भी मराजईन के दस्तूर के मुताबिक की है कि इंसान वैसे तो कोशिश करे कि ऐसे वक्त में अपनी आज़ादारी को मुकम्मल कर ले कि जिसके बाद नमाज का वक्त दाखिल होने वाला हो। नमाज के वक्त के दरमियान मजलिस, मातमदारी, ये चीज़ें उससे ना टकराएं कि लोग मुशव्विश हो जाएं कि अब हमें किस तरफ जाना चाहिए। वो भी इबादत है, ये भी इबादत है, और नमाज के लिए भी वक्त वसी मौजूद है। ज़रूरी नहीं कि अभी इंसान पहुँच जाए, तो वो भी मुस्तहब है कि अव्वल वक्त में नमाज पढ़ें, ये भी मुस्तहब है कि आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मुकम्मल करें। तो किस इबादत को फौकियत दी जाए? आमतौर पर यही नतीजा दिया जाता है कि चाहे आज़ादारी अपने उरूज पर हो, मजलिस चल रही हो, मसाइब चल रहे हों, मातमदारी हो रही हो, फौरन से नमाज का वक्त आ गया, सारी आज़ादारी बंद कर दी जाए, लाउड स्पीकर बंद कर दिए जाए, जो मातम हो रहा है रोक दिया जाए, फौरन से सब वजू करें और जाके नमाज पढ़ें। ये जो तरीका कभी कभार लोगों ने इख्तियार करना शुरू किया है, इस तरीके के बरखिलाफ भी मराजईन ने अपना एक नजरिया दिया है कि खबरदार तुम ऐसे आज़ादारी का इख्तिताम न करो कि लोग समझे कि नाउज़ुबिल्लाह कोई आज़ादारी को बेकार और फजूल अमल था। जैसे ही नमाज का वक्त आया कहा कि बिल्कुल उसको बंद कर दिया जाए, लाउड स्पीकर बंद कर दिए जाए, सब अपने अपने जगह से खड़े हो जाए और वजू करने चले जाए, जैसे कोई वो तो इबादत ही नहीं थी जो अभी हम कर रहे थे। फरमाते हैं ये आज़ादारी इमाम हुसैन बहुत बड़ी इबादत थी जो तुम कर रहे थे, अगर इस तरीके से तुम खड़े होते हो तो आज़ादारी की तौहीन कर रहे हो, लिहाजा चूंकि तौहीन आज़ादारी है इसलिए इसे ऐसे अंदाज में मुकम्मल करो कि इसकी तौहीन का सबब ना बने और फिर नमाज के लिए खड़े हो। तो जैसे पैगंबर अकरम ने वहां तो खेल रहे थे बच्चों के साथ, वो भी बहरहाल इबादत है, वहां पर भी तरबियत के पहलू है, लेकिन उसको भी इतने शाइस्ता अंदाज में मुकम्मल किया, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि शाइस्ता अंदाज में आज़ादारी को मुकम्मल करें। आयतुल्लाह गुलबैगानी का जमाना था, उनकी ही महफिल के अंदर, उनकी ही इमाम बारगाह के अंदर मजलिस इमाम हुसैन बरपा हो रही थी, यहां तक कि मौज़िन ने अजान दी। जैसे ही अजान का वक्त आया, लोग एक तरफ से आज़ादारी कर रहे थे, मातमदारी कर रहे थे, एक शख्स खड़ा हो गया और कहने लगा कि ये सब बंद करो, जाकर वजू करो और जाके नमाज पढ़ो, नमाज का वक्त हो गया है। जब उसकी आवाज बहुत ज्यादा ऊंची हो गई तो आयतुल्लाह गुलबैगानी अपने कमरे से बाहर आए और अपनी लाठी को दरवाजे पर मारकर कहा, खबरदार आज़ादारी को बंद ना करवाओ, आज़ादारी को जारी रहने दो, और आज़ादारी जब अपने वक्त पर मुकम्मल हो जाए तो फिर ये जाकर नमाज पढ़ो। तो मराजईन ने दोनों तरीके इख्तियार किए हैं ये बात को समझाने के लिए कि अव्वल वक्त की नमाज की अहमियत है अपने मकाम पर, अव्वल वक्त भी एक मुस्ताहब इबादत है, लेकिन इस मुस्ताहब इबादत की वजह से हम किसी दूसरी मुस्ताहब इबादत की तौहीन ना करें, इसलिए उसको भी ठीक तरीके से हम इख्तिताम तक पहुँचाएँ और फिर हम नमाज भी जो अव्वल वक्त है और फजीलत का वक्त है उसमें अंजाम दें। अलबत्ता मैनेजमेंट को जिम्मेदारी बनती है, आयतुल्लाह सिस्तानी ने भी और इसी तरीके से दीगर मराजी ने भी ये फरमाया है कि भरपूर कोशिश की जाए कि कभी भी आज़ादारी का वक्त, मजालिस का वक्त ऐसे वक्त पर ना रखा जाए कि जो नमाज के आगाज का वक्त है। एक दुरूद पढ़ दीजिए, मुहम्मद व आलम। इस हवाले से अब कई सारी और मौलाए कायनात की अहादीस मौजूद है, मैं जल्दी जल्दी आपकी खिदमत बयान कर दूं, अगर लिखना चाहें तो तहरीर फरमाइएगा। एक जगह पर इरशाद फरमाते हैं कि अफ़ज़लुल इबादति अल फिक्र, सबसे बेहतरीन इबादत सोचना है और फिक्र करना है। इसका मतलब इबादत ऐसी आंख बंद कर शुरू नहीं कर देनी है, उसका मुकदमा वही इल्म है और फिक्र है। दूसरे मकाम पर बिहार अनवार की रिवायत है, मौला शाह फरमाते हैं कि अफ़ज़लुल इबादति अल फिक्र, बेहतरीन इबादत फिक्र और सोचना है,
अब यहाँ पर भी फिक का मतलब वो फिक नहीं है कि जो हम अभी फिक का मतलब समझते हैं, कि फिक का मतलब है कि अब फिकी मसाइल बयान होंगे। ये फिकी मसाइल और फिक की जो इस्तिला है तो अभी जदीद इस्तिला है, वरना उस जमाने में अरबी ये लफ्ज फिक का लफ्ज अपने लघवी मानों में इस्तेमाल होता था, यानी सोचना और दिक्कत करना, गौर व फिक्र करना। तो अफजल तरीन इबादत ये सोचना और दिक्कत करना और अपने जहन को इस्तेमाल करना है। एक और मकाम पर शाह फरमाते हैं कि ला खैर फी इबादतिन लैसा फीहा तफक्कुहुन, और दूसरे मकाम पर थोड़ा सा आगे जाकर शाह फरमाते हैं कि वला खैर फी क़िराअतिन लैसा फीहा तदब्बुरुन, उस इबादत के अंदर कोई खैर नहीं है जिस इबादत में इल्म और गौर व फिक्र ना हो, और उस क़िराअत कुरान के अंदर और तिलावत कुरान करीम के अंदर भी कोई खैर नहीं है जिसमें तदब्बुर और तफक्कुर ना हो। तो बार बार मौला की इस हवाले से अहादीस हमें नज़र आती हैं, और सिर्फ मैं मौलाए कायनात की नहीं, बाकी आइम्मा अथहारुल सलाम की भी इसी तरीके से रिवायतें हमें नज़र आती है। ख़ुद कुरान करीम का बार बार ये फरमान है कि इन्नमा यख्शल्लाहा मिन इबादिहिल उलमा, खुदा से डरने वाले ये वो नहीं है जो ज़्यादा इबादतें करते हैं, वो हैं जो साहिब इल्म होते हैं। जब इल्म आएगा, मारिफत आएगी, तो इंसान खुद ब खुद परवरदिगार से खौफ खाएगा। तो यहाँ तक हमने एक बात को मुकम्मल किया। इसी के साथ ही एक जुड़ी हुई बात है कि जब इंसान के पास कुछ नॉलेज आना शुरू होगी तो ये एक और मरहले की तरफ दाखिल होगा। वो सवाल क्या है? वो सवाल बड़ा अजीब है। अब देखिए, मैं एक जरा प्रैक्टिकल बात भी आपके साथ बयान करूं, खुद अपना तजर्बा भी है जो बयान कर रहा हूं कि जब इंसान मदरसे में आता है और इल्म हासिल करना शुरू करता है, मालूमात उसकी बढ़ना शुरू होती है, फिक्र पढ़ना शुरू करता है, अकायद पढ़ना शुरू करता है, दीन को पढ़ना शुरू करता है, तो जब तक मदरसे में नहीं आया होता है ज्यादा नमाजें पढ़ता है, जब तक मदरसे में दाखिला नहीं लिया होता है तो ज्यादा कुरान करीम पढ़ा होता है। जैसे ही मदरसे में आ जाता है तो पता चल जाता है, अच्छा ये तो वाजिब नहीं था, हम तो वाजिब समझ के पढ़ रहे थे, इसको छोड़ दिया। वो भी वाजिब नहीं था, हम तो वाजिब समझ के पढ़ रहे थे, उसको भी छोड़ दिया। वो नमाज जो पहले 6-7 मिनट की थी, होते होते वो 3 मिनट की हो गई। क्या अब तो वाजिब तो सूरह कौसर पढ़ना भी काफी है नमाज के अंदर, तो जो सबसे छोटा सूरह है वो इस मकाम पर काम आता है कि हमने नमाज को जितना छोटे से छोटा और वाजिब से वाजिब हद तक हमने अंजाम दे दिया। खुदा खैर है हमारी कि अल्हम्दुलिल्लाह जहन्नम में नहीं जाने वाले। तो ये वाकई एक अलमिया बनता जा रहा है कि जितने लोग हौजे में जाते हैं, जितने लोग मदरसे में जाते हैं, वो आमाल ज्यादा करने के बजाय कम करना शुरू कर देते हैं, वो इबादतें ज्यादा करने के बजाय और कम से कम होती जाती हैं। इसका क्या हल किया जाए, इसका क्या जवाब दिया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे ख्याल में एक बात जो मदरसे में आने वाले हर तालिबे को सोचनी चाहिए, खुद मुझे सबसे ज्यादा पहले सोचनी चाहिए कि सही है, मुझे बहुत सारी चीजों का पहले इल्म ही था कि फला इबादत मुस्तहब है, वाजिब नहीं है, मैं इसको जरूरी समझ के, लाजिम समझ के अंजाम देता रहा। पता चल गया बाद में जाकर कि ये लाजिम और वाजिब नहीं है, ये मुस्ताहब इबादत है। ठीक है, हमने छोड़ दी, छोड़ना चाहें तो छोड़ दी। लेकिन हमें ऐसे ऐसे ये भी पता चलना शुरू हो जाएगा कि जितनी हम मुस्ताहब इबादतें छोड़ते जा रहे हैं और अपना वक्त बचाते जा रहे हैं, तो खुद वक्त बचाकर वक्त को जाया करना यह भी दीन ने सिखाया है कि यह हराम है। वक्त का जिया करना यह भी हराम है। इंसान अपने वक्त को जाया करे, कुरान करीम की आयत है ना, फमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जरा बराबर भी बुराई की होगी, यानी जरा बराबर भी तुमने अपने जिंदगी में कोताही की होगी, उसका भी जवाब देना है। अगर तुम मजीद काम कर सकते थे दुनिया वालों के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, क्यों काम नहीं किया? तुम्हें हमने जिंदगी दी थी, सलाहियत दी थी, सोचने समझने की सलाहियत दी थी, हाथ पैर सलामत दिए थे, फिर काम क्यों नहीं किया? जवाब देना पड़ेगा। कुरान करीम की एक और आयत है कि इन्नस समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु ज़ालिका कुल्लु उलाइका अन ज़ारिन अल्फाज़ कुल्लु उलाइका अनहु मसूला, परवरदिगार ने जो कान की नेमत दी है, जो देखने की और आंखों की नेमत दी है, जो दिल परवरदिगार ने दिए हैं, इन सब से परवरदिगार सवाल करेगा। कान अनहु मसूला, इन सब से सवाल किया जाएगा कि तुमने कहां इस्तेमाल किया इसे। तो क्या अगर वक्त जाया किया है और दूसरे मुबाह कामों में इस्तेमाल किया या हत्ता मकरूह कामों में इस्तेमाल किया, तो जवाब देना पड़ेगा।
तो मदरसे में आने के बाद सही है कि इंसान को पता चल जाता है कि फला चीज मुस्तहब थी, वाजिब नहीं थी, लेकिन फिर इसके सामने दरवाजा खुलता जाता है कि फला मुस्तहब भी है, फला मुस्तहब भी है, फला चीज भी मुस्तहब है, फला चीज भी मुस्तहब है। मुस्तहबात की इतनी तवील फहरिस्त है। अब मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है जो मैं तालिबे मदरसे के अंदर आया हूं? मेरी जिम्मेदारी यह बनती है कि अब मैं देखूं कि इन सारे मुस्तहबात में से जो बेहतरीन मुस्तहब है उसे मैं अभी अंजाम दूं। सही है, मैंने नमाज के अंदर अपने वक्त को बचा लिया, जो वक्त को बचा लिया उसको फिर कहां इस्तेमाल किया? क्या उससे बेहतर चीज में इस्तेमाल किया है या उससे बदतर चीज में इस्तेमाल किया, जाया कर दिया? अगर ठीक है, नमाज के वक्त को इंसान ने थोड़ा सा कम किया, बचाया है ताकि घर में जो जरूरी काम रह गए थे उसे अंजाम दिया जाए, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, घर की जिम्मेदारियां अहम चीज है, उसको अंजाम दिया। लेकिन अगर उसके बाद टीवी को देखा है और उसी में ही वक्त जाया किया है, तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो मदरसे में आने के बाद यह सीखा था कि बहुत सारे मुस्तहबात में से हमें बेहतरीन का इंतखाब करना चाहिए, हमने बेहतरीन का इंतखाब नहीं किया, हमने अपने वक्त को बर्बाद कर दिया। तो फिर यहां पर एक बहस शुरू होती है कि हम जितने भी काम कर रहे हैं, अभी हम बैठे हुए हैं, जितने भी हम काम कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे कामों का मजमुआ था, लेकिन हमने जो अभी काम चूज किया है वो हमारी नजर में बेहतरीन काम था जिसको हमने अभी इंतखाब किया है। इसको कहा जाता है, इस बहस को कहा जाता है अहम और मुहिम की बहस। दो जरूरी कामों में से जो ज्यादा जरूरी काम है उसको अंजाम दिया जाए। अब मैं इसको आपकी खिदमत में मौला मुत्तकीन अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के जरिए, बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। नहजुल बलागा के अंदर हिकमत नंबर 39 इरशाद फरमाते हैं मौला के, ला कुर्बत बिन नवाफिल इज़ा अज़र्रत बिल फराइज। उस नाफिला इबादत की कोई हैसियत और कोई वक्त नहीं है अगर उस नाफिला और मुस्तहब इबादत की वजह से इंसान अपने वाजिबात को छोड़ रहा हो। तो दोनों इबादत हैं, मुस्तहबात भी इबादत है, वाजिबात भी इबादत है, लेकिन देखना पड़ेगा कि कौन सी इबादत ज्यादा अहमियत रखती है, जिसकी अहमियत ज्यादा है उसको अंजाम देना। तो वाजिबात के मुकाबले में मुस्तहबात की अहमियत नहीं है, लिहाजा वाजिबात को पहले अंजाम दिया जाए फिर मुस्तहबात को। लोग जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह करबला ज्यारत करने के लिए, जाते हैं दूसरे मकामात पर ज्यारत करने के लिए, बहुत बड़ी सआदत है। इंशाअल्लाह परवरदिगार हम सबको ज्यारत चारदा मासूमी नसीब फरमाए, लेकिन जब इस सफर में जा रहे होते हैं तो इस चीज को फरामोश कर देते हैं कि इसी सफर के दरमियान बाज नमाजें भी आएंगी, तो वो नमाजें साकित नहीं हो गई हैं। मौला हुसैन ने मदीना से लेकर करबला तक का जो सफर किया है उसमें कोई एक नमाज भी बता दीजिए कि जो मौला से कजा हो गई। पूरे सफर में मौला की नमाजों पर नमाजें, वक्त पर नमाज अंजाम दे रहे हैं। हत्ता जो करबला के मैदान में भी आखिरी जो नमाज है, जोहर की नमाज है, जो जमात के साथ अंजाम दी है, उसमें भी वक्त देखते जा रहे थे कि जैसे वक्त दाखिल हो जाए फौरन से जोहर की नमाज अंजाम दी जाए। तो मौला इमाम हुसैन ने इस तरीके से नमाजों को अंजाम दिया क्योंकि वाजिबात को तो नहीं छोड़ा जा सकता किसी मुस्तहब अमल की खातिर। तो ज्यारत पर जा रहे हैं, इंसान भरपूर तरीके से ज्यारत पर जाए, लेकिन जो वाजिबात है उसको अंजाम देते देते मुस्तहबात को भी अंजाम दे। वरना अगर इस मुस्तहब की वजह से वाजिब टकरा रहा हो और वाजिब खतरे में आ रहा हो तो वाजिब बहरहाल वाजिब है और उसको मुकम्मल करना। इसी तरीके से एक और मौला का फरमान है, शाह फरमाते हैं कि ला इबादत का अदा इल फराइज। कोई इबादत वाजिबात की बराबरी नहीं कर सकती। जितनी भी मुस्तहब इबादत है ये सब बात की बात है, पहले वाजिब इबादत है। अगर इंसान की शबेदारी की वजह से, इंशाल्लाह वैसे तो ऐसा काम इंसान ना करे, लेकिन उसकी वजह से अगर फजर की नमाज छूटती हो, यकीन हो इंसान को कि मैं नहीं पढ़ सकूंगा इतनी देर से सोने की वजह से, तो फिर वाजिबात की अहमियत ज्यादा है। और खैर बार बार अब इस हवाले से मिसाल बयान हो गई, लेकिन कोशिश अल्टीमेटली इंसान की ये होनी चाहिए कि मुस्तहब को भी अंजाम दे और वाजिब को भी अंजाम दे। अगर कहीं टकराव की सूरत पैदा हो जाती है तो यही वाजे सहल है कि वाजिबात की अहमियत मुस्तहबात के मुकाबले में ज्यादा है।